दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा पैसे आते हैं तो किस तरह से आप जो है इनके जो है कितनी किस्त आपके खाते में आई हुई है, कैसे आप जो है अपने खाते का जो है स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, यानी पीएम किसान की वेबसाइट को ओपन करके, और किस तरह से आप पता कर सकते हो कि आपको जो है इसके द्वारा कितनी जो है किस्त मिली है। तो अगर आपका भी इसमें अकाउंट है, आपकी भी किस्त आती है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। मैं वीडियो में बताए हुए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप भी अपनी किस्तों का डिटेल जो है बड़ी ही आसानी से चेक करें। तो इसके लिए आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक यादव के। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे चेक करने के लिए, यानी किस्त को चेक करने के लिए, आपके पास चाहे फ़ोन हो या लैपटॉप हो, आप जो भी ब्राउज़र यूज कर रहे हो ब्राउज़र के सर्च बॉक्स को आपको फर्स्टली ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद इसके सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर देना है पीएम किसान। ये पीएम किसान आपको टाइप करके और इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही मैं इसको सर्च करूंगा, पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने खुल के शो हो जाएगी। आप देख सकते हो पीएम किसान का जो फर्स्ट लिंक इसमें दिया हुआ है पीएम किसान, इसके ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो मेरे सामने खुल के शो हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेज मेरे सामने खुल के शो हो गया। पेज को हमारे को क्या करना है, पेज को ऊपर की तरफ हमारे को स्क्रॉल कर लेना है। तो जैसे मैं पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा, इसमें आप देख सकते हो एक ऑप्शन है फार्मर कॉर्नर। तो फार्मर कॉर्नर में हमारे को क्या करना है, अपनी किस्त का स्टेटमेंट देखने के लिए बेनिफिशियरी स्टेटस का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर हमारे को क्लिक करके और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे को इसमें फिलअप करनी है, और इसके द्वारा हम बड़ी आसानी से अपनी किस्तों का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और भी ऑप्शनों का आप यूज करके और कुछ भी अगर आपको इस खाते से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जान सकते हो। तो जैसे मैंने बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करते इस तरह का ऑप्शन आ जाए। इसमें सबसे पहले है सर्च बाय। तो सर्च बाय वाले में हमारे को जो सामने है इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे इसमें दो ऑप्शन आएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर। तो हम दोनों के द्वारा, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसके ऊपर क्लिक कर लो, अगर वो याद नहीं है तो आप जो है इसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर क्लिक करके और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो इंटरवैल्यू का ऑप्शन है, इंटरवैल्यू वाले ऑप्शन में आपको आपके इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ जो भी आपके मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इसमें दिया हुआ है जो कैप्चा दिया हुआ है हमारे को। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इसमें अगर हम ये कैप्चा जो दिया हुआ है, ये कैप्चा अगर हम इसमें एंटर करेंगे तो हमारे को जो है ये डाटा हमारा ओपन नहीं होगा। तो इस कैप्चा वाले पर हमारे को जो है प्रेस करना है। जैसे ही मैं कैप्चा वाले ऑप्शन को प्रेस करूँगा जहाँ कैप्चा दिया हुआ है, अभी हमारे को जो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जो फर्स्ट में ऑप्शन है ओपन इमेज इन ए न्यू टैब, इसके ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही जो है मैं एक जो है रिडायरेक्ट हो जाऊँगा एक न्यू टैब में, और मेरे सामने एक इस तरह का कैप्चा जो है शो हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो कैप्चा हमारे को इसमें दिया हुआ है वो कैप्चा अगर हम इसमें एंटर करेंगे तो हम जो है इसका जो है स्टेटमेंट यानी कि किस्तों का स्टेटमेंट नहीं चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारे को एक दूसरा कैप्चा जो है जनरेट करना है, और ये दूसरा कैप्चा जनरेट करके और ये कैप्चा हमारे को इंटर करना है, तभी जो है हम जो है इसमें जो है अपनी किस्तों का स्टेटमेंट, अपने पैसों का स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे। तो आपके सामने इस तरह के जो है नेक्स्ट कैप्चा आ जाएगा। ये कैप्चा हमारे को वहाँ पर जो कैप्चा वाला बॉक्स है वहाँ पर हमारे को ये कैप्चा इंटर कर देना है। तो जैसे ही मैंने ये कैप्चा जो मैंने कैप्चा इसका निकाला था वो कैप्चा मैंने एंटर कर दिया, और गेट डाटा का जो ऑप्शन दिया हुआ है गेट डाटा वाले ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि जिस भी किसान का इसमें रजिस्ट्रेशन है उसका पूरा का पूरा जो है इसमें स्टेटमेंट शो कर देगा। तो अगर आपको ये भी अपना चेक करना है तो इसमें फार्मर नाम, फादर नाम, स्टेट, विलेज और रजिस्ट्रेशन स्टेटस, एक्टिव, इनएक्टिव, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, यानी इसमें पूरा का पूरा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें जो है शो कर देगी। तो अगर आपको ये भी चेक करना है, मैंने हाइड कर दी है, ये भी आप चेक। इसके बाद में पेज को आप और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो कि कब कब आपके खाते में जो है किस्तों के पैसे कब कब जो है आपके खाते में जो है किस्तों के पैसे क्रेडिट हुए हैं, और कितनी किस्त जो है आपके खाते में अब तक क्रेडिट हो चुकी है, जो है आपका स्टेटस पेंडिंग है या फेल है। आप बड़ी ही ईजीली जो है इस तरह से इसको चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे किस्तों का स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है। जितनी भी आपको किस्त मिली है सभी किस्तों का स्टेटमेंट इसमें आपको मिल जाएगा। उसमें कितना नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, इसमें सब कुछ जो है शो कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से आप अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों का जो है स्टेटस इस तरह से वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। फिर भी दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। थैंक